जुड़ लें और महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मनस तैयार करें। अड़मो अरिहन्तानम् नमो अरिहन्ताणो इडमो सिद्धानम् नमो सिद्धानो इडमो श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। एक युवक बड़ी तेज गति से चला जा रहा था। रास्ते में किसी व्यक्ति ने उसे टोकते हुए पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो। उसने जवाब दिया, पता नहीं। कहाँ जा रहे हो, जवाब दिया, पता नहीं। सामने वाले ने पलट कर पूछा, आ कहाँ से रहे हो। जवाब निकला, पता नहीं। अब की बार वो हैरान रह गया, कहाँ जा रहे हो पता नहीं, कहाँ से आ रहे हो पता नहीं। उसने पूछा, क्यों जा रहे हो। बोला, पता नहीं। अब की बार तो एकदम हैरान रह गया कि भैया कहाँ जा रहे हो पता नहीं, कहाँ से आ रहे हो पता नहीं, क्यों जा रहे हो पता नहीं। तो भैया मेरे ये तो बता कि तू आखिर है कौन, तुम हो कौन। जानते हो उसने क्या जवाब दिया। उसने कहा, पता नहीं। ऐसे व्यक्ति को हम पागल के अतिरिक्त और क्या कहना पसंद करेंगे। ऐसा व्यक्ति एक प्रकार से पागल ही कहलाएगा। पर वो व्यक्ति कहाँ है, थोड़ा खोजने की ज़रूरत है। आज हर मनुष्य की दशा कुछ ऐसी ही है। वो तेज गति से चल रहा है, उसके पास गति तो है पर गंतव्य नहीं। चल रहे हैं पर हमारा कोई लक्ष्य नहीं, हमारा कोई उद्देश्य नहीं। संत कहते हैं, लक्ष्य विहीन यात्रा यात्रा नहीं भटकन। हम जिंदगी जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, आखिर हमारे जीवन का
ध्येय क्या, मकसद क्या, लक्ष्य क्या। दुनिया में जितने भी लोग हैं वे अपने अपने तरीके से जीवन जीते हैं, ज़्यादातर लोगों का तो कोई लक्ष्य ही नहीं है। सब जी रहे हैं, जिए जा रहे हैं। एक विचारक ने बड़ी अच्छी बात लिखी, लक्ष्य विहीन मनुष्य की का जीवन कुत्ते की भांति त्रिआयामी। लक्ष्य विहीन मनुष्य का जीवन कुत्ते की भांति त्रिआयामी है। दिन रात खाना, इधर इधर दौड़ना और बचा समय अपने साथियों से झगड़ कर बिताना। जिंदगी ऐसी ही बीत जाती है। मनुष्य की दशा क्या है? रोते हुए जन्मता है, शिकायतें करते हुए जीता है और हताशा के बलवे में दबकर मर जाता है। यही जीवन की कहानी पूरी हो जाती है। आखिरकार मेरे जीवन का लक्ष्य क्या? आज बात लकी है और मैं आपसे आपके लक्ष्य की चर्चा करना चाहता हूं। तय करो तुमने अपने जीवन का क्या लक्ष्य बनाया। कोई लक्ष्य? एक विद्यार्थी से पूछो तो उसका पहला लक्ष्य होता है कि मुझे पढ़ाई करना है। पढ़ाई करके आगे देखेगा तो सोचेगा प्रतियोगी परीक्षाओं में पास हो जाऊं, और लक्ष्य हो तो अच्छी सी नौकरी मिल जाए। यदि कदाचित नौकरी करने का ख्याल नहीं है तो अच्छा व्यापार हो जाए, अच्छा कारोबार कर ले, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, परिवार सेटल हो जाए, पैसा कमा लूँ, समाज में प्रतिष्ठा बना लूँ और अपनी एक पहचान बना लूँ। यही लक्ष्य है ना? बस अधिकतर लोगों का यही लक्ष्य। उसके आगे ये बड़ा उथला लक्ष्य। किसी ने बड़ी सार्थक बात लिखी है, इस जहां में न जाने क्या कारनामा कर गए। बहुत पुरानी पंक्ति है, इस जहां में न जाने क्या कारनामा कर गए, बीए किया, एमए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। कहानी खत्म। आखिर तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? ये बात गहराई से समझने की जरूरत है। केवल दुनियादारी को पूरा करना लक्ष्य है या जीवन को सफल बनाना लक्ष्य है? ज्यादातर तो लोगों का एक ही ध्येय होता है कि दुनिया में आए हैं, मजा लो और चलो। दो तरह के लक्ष्य से जुड़े हुए लोग दिखाई पड़ते हैं। एक वे हैं जिनका एक ही लक्ष्य है, पदार्थ और पदार्थजन्य भोग, जो केवल भौतिक सोच से जुड़े होते हैं। उनका एक ही ध्येय, खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो मौज मनाओ, इस दुनिया में आए हो तो मजे उड़ाओ, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लो पर घी पियो, है ना? ये जो सोच है निपट भौतिक सोच है। ऐसे लोग कदाचित कुछ भौतिक उपलब्धियां अर्जित कर भी ले तो भी वे अपने जीवन को भीतर से समृद्ध नहीं बना सकते। जीवन की भीतरी समृद्धि वे ही पा सकते हैं जो जीवन के मर्म को जानते हैं और उस मर्म को उद्घाटित करने का प्रयत्न करते हैं। जिन लोगों का लक्ष्य केवल भौतिक है उनके लिए ज़्यादा उपदेश देने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके लिए आत्मा अनात्मा, धर्म अधर्म, पुण्य पाप से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जिनके दृष्टि में आत्मा है उनका लक्ष्य क्या होना चाहिए? तुम लोग तो आत्मा को मानते हो कि नहीं?
पुनर्जन्म को मानते हो? मानते हो कि नहीं बोलो? कर्म पर, कर्म सिद्धांत पर विश्वास करते हो? करते हो कि नहीं? जब तुम आत्मा को जानते हो, पुनर्जन्म को मानते हो, कर्म सिद्धांत पर विश्वास करते हो, तो तुम्हारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? आत्मा को कलंकित करना, भावी दुर्गति बनाना, या कुकर्म करके कुगतियों का पात्र बनना? क्या क्या लक्ष्य होना चाहिए तुम्हारा? आत्मा के कल्याण का। कब बनाओगे? मरने के बाद। तुम ये तो कह रहे हो कि हमारा लक्ष्य आत्मा के कल्याण का होना चाहिए, होना चाहिए बोल रहे, भी है कि ये होना चाहिए और बता दो? कुछ लोगों का है और कुछ लोग सोच रहे होना चाहिए। तो जो कह रहे होना चाहिए उनसे पूछ रहा हूं, ये कब बनाओगे? मर जाने के बाद, उस दुनिया से विदा हो जाने के बाद, या अभी? अभी की आज, आज और अभी अपना लक्ष्य बनाइए। और जिनने ये सोच रखा है कि मुझे अपने आत्मा का कल्याण करना है, लक्ष्य बना भी लिया, बहुत लोगों की ऐसी प्लानिंग होती, तो भैया लक्ष्य तुमने बना लिया, अच्छी बात है, पर केवल लक्ष्य को बनाने मात्र से लक्ष्य की उपलब्धि तो नहीं होती ना। लक्ष्य को पाने के लिए क्या कर रहे हो? लक्ष्य बनाना और लक्ष्य पाना, दो चीजें। ज्यादातर लोगों का सही लक्ष्य ही नहीं बनता, और जिनने लक्ष्य ही नहीं बनाया वो लक्ष्य पाएंगे कैसे? तो आज पहली बात आपसे, आपके लक्ष्य की कर रहा हूं कि अपने जीवन का सही लक्ष्य बनाइए। तुम्हारी प्राथमिकताओं में सारा संसार है, तुम्हारी आत्मा कहाँ है? तुम्हारी प्राथमिकताओं में दुनियादारी है, तुम्हारा हित कहाँ है? तुम्हारी प्राथमिकताओं में गोरख धंधा है, आत्म शुद्धि कहाँ है? तुम्हारी प्राथमिकताओं में सारे प्रपंच हैं, अपना जीवन कहाँ है? इस पर कभी विचार किया? अगर मेरी प्राथमिकता में मेरी आत्मा का हित होगा, मेरी प्राथमिकता में मेरे जीवन का कल्याण होगा, मेरी प्राथमिकता में मेरी आत्मा की शुद्धि होगी, मेरे प्राथमिकता में मेरे जीवन की पवित्रता होगी, तो फिर मेरा लक्ष्य मेरे निकट होगा। बातें बड़ी बड़ी करे और काम उल्टे करे तो क्या होगा, बताओ? अगर कोलकाता से दिल्ली जाना हो तो दिल्ली की ट्रेन में बैठने से दिल्ली जाओगे कि मुंबई की ट्रेन में बैठने से दिल्ली पहुंचोगे? क्या करते हो आप लोग कोलकाता से जाने के लिए? दिल्ली की ट्रेन में बैठते कि मुंबई की ट्रेन में बैठते? दिल्ली की ट्रेन। महाराज ऐसी भी बात, थोड़ा तो इतना तो कॉमन सेंस हम लोग रखते हैं, ऐसी गलती कभी नहीं करते कि दिल्ली जाना और मुंबई की ट्रेन में बैठे। पर एक बार ऐसा हो गया, एक आदमी दिल्ली से ट्रेन में बैठा तो उसको मुंबई जाना था, वो कोलकाता की ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन चलने को हुई, अपने साथी से, नीचे वाले बर्थ वाले से पूछा, भैया आपको कहाँ जाना है? बोले हमें कोलकाता जाना है। बोले मुझे मुंबई जाना है। बोले अरे आप तो गलत गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी कोलकाता जाएगी। बोले पता नहीं, एडवांस टेक्नोलॉजी का युग है, ऊपर की बर्थ मुंबई जाएगी, नीचे की बर्थ कोलकाता। ऐसा हो सकता है क्या? कदाचित कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बन जाए जो ऊपर और नीचे की अलग अलग व्यवस्था कर दे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का कोई भरोसा नहीं। लेकिन परमार्थ के क्षेत्र में ऐसा कभी नहीं होगा।
पाप के रास्ते में चल करके जीवन को पवित्र नहीं बना सकते, कभी नहीं बना सकते। अगर तुम्हें अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो आत्महित के मार्ग पर लगना ही पड़ेगा। आज लगोगे तब और 100 जन्म बाद लगोगे तब। रास्ता तो केवल एक ही है, वो पक्का लक्ष्य बनाइए। तो पहले सही लक्ष्य बनाइए। आज से पक्का कि मुझे अपने नर भाव को सार्थक बनाना है, ये पक्का लक्ष्य है कि यूं ही पूरा कर देना है? भजनकार कहते यूं ही आता रहा यूं ही जाता रहा, लाख चक्कर 84 के खाता रहा, यूं ही आवागमन के उलट फेरे में व्यर्थ हीरा जन्म को गंवाता रहा। अब तक की कहानी तो यही, कभी आए गए जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, इसके अलावा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे पुनरपि शयनम, बार बार जन्म बार बार मरण। मां न जाने हमने कितनी बार मां के पेट में शयन किया। कभी लगता है किस अनादि संसार में मैंने अनंतों बार कौन कौन से जन्मों को धारण किया? कभी लगता है कौन कौन सा जन्म हमने धारण नहीं किया? ये आज हम मनुष्य बने ने ऐसा मनुष्य बना अनंतों बार धार करके छोड़ चुके हैं। अब पूरे संसार में पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े से लेकर पशु पक्षी तक जो भी हमें नजर आते हैं वे सब हमारे ही उतारे हुए चोले हैं, ऐसा समझना। अपने अज्ञान के कारण हम संसार में भटके, और भटकना है? बोलो, और भटकना है? फिर क्या करना है? अगर भटकना नहीं है तो सही राह पकड़ो, अपना लक्ष्य सुनिश्चित करो। नहीं बहुत हो गया, अब मुझे अपने जीवन की दिशा बदलनी ही है। भले मैं संसार में रहूंगा हूं, पर मेरा ध्येय मेरे आत्मा का हित होना चाहिए। कदाचित आत्महित के रास्ते पर आगे न बढ़ पाऊं तो कम से कम अहित के रास्ते पर तो नहीं पहुंचूं। इतना तो कर सकते हो। ये कब होगा? जब तुम अपना लक्ष्य फिक्स कर लोगे, निर्धारित कर लोगे, लक्ष्य बनाओ। जिनको पाप और पाखंड में ही रस आता है उनके लिए क्या कहा जाए, वो तो उसी में मगन होकर के रहते हैं। थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाओ। आप लोग भी थोड़ा आगे। ओ, मैं कह रहा था जिनको दुनिया की बातों में ही रस आता है और जो उसी दिशा में बढ़ रहे हैं उनसे क्या आशा और अपेक्षा होगी? तो आज लक्ष्य की बात है और लक्ष्य की बात में मैं आपसे कह रहा हूं, सबसे पहले ये लक्ष्य बनाओ कि अब मैं अहित के रास्ते पर नहीं जाऊंगा।
अगर तुम्हें अपने जीवन के प्रति थोड़ी भी समझ है और गंभीरता है, आत्मा के कल्याण की रंच मात्र भी बुद्धि है, तो ये तय कर लो कि अहित के रास्ते पर नहीं जाऊंगा। पर जिसे संसार में ही रस आता है वो नहीं कर सकता। जिसको धूप सुहा रही हो छाया में क्यों जाएगा? जाएगा क्या? नहीं जाएगा। छाया की तरफ कौन जाता है? जिसे धूप में आकुलता का अनुभव होता है वो छाया की ओर जाता है। तो तुम्हें अगर संसार में रस दिख रहा है तो तुमको कोई कितना ही उपदेश दे तुम्हारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम उसी में मगन रहोगे, चलो सब ठीक है। बदल ही नहीं सकोगे अपने आप को। लेकिन जिस दिन तुम्हें संसार के दुख दुख लगने लगेंगे और तुम्हारे भीतर एक हूक सी उठेगी कि नहीं अब बहुत हो गया, तो बदल जाओगे। आपने देखा एक बच्चा दीपक की तरफ तभी तक लपकता है जब तक कि उसका हाथ नहीं जलता। एक बार हाथ जल जाए दोबारा उससे कहो तो कहते नहीं ताता है, छुएगा नहीं, है ना? लेकिन तुम लोगों की क्या दशा है? दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां बड़ी सार्थक है। हाथों पे अंगार लिए मैं पूछता रहा, हाथों पे अंगार लिए ये मैं पूछता रहा, कोई मुझे इन अंगार की तासीर बता दे। अब बोलो, हाथ में अंगार और तासीर पूछ रहे हो, सारा जीवन दुखों से जी रहे हो और उसके बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, कब समझोगे? तो पहली बात, लक्ष्य बनाइए, फिर लक्ष्य को पाइए। पर लक्ष्य को पाने के लिए क्या करना होगा? पुरुषार्थ जगाइए। क्या करना? पहला लक्ष्य बनाना, दूसरा पुरुषार्थ जगाना। पुरुषार्थ, मैंने अपने आत्मा के हित का लक्ष्य बनाया है तो मुझे उस आत्महित का उद्यम करना होगा। किसी भी क्षेत्र में यदि आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो लक्ष्य की उपलब्धि के लिए सबसे पहले तो आपको लक्ष्य का निर्धारण करना पड़ता है। लेकिन लक्ष्य निर्धारित करते मात्र से काम नहीं होता, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको तदनुरूप एफर्ट्स भी करना पड़ता है, तब आप लक्ष्य प्राप्त कर पाते हैं। करते हैं ना? कोई भी लक्ष्य, मान लीजिए आपने एक बिजनेस का लक्ष्य किया और एक टारगेट अपने सामने रखा तो अपने आप पूरा हो जाता है क्या? क्या करते हो उसके लिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए क्या करते हो? महाराज रात दिन एक करते हैं, 24 घंटे की हमें केवल वही दिखता है। और जब हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति का भाव होता है तो हम अपने आप को पूरी तरह से उसकी पूर्ति में लगा देते हैं, लगन के साथ, निष्ठा के साथ, पूरा डेडिकेशन होता है, डिवोशन होता है और डिटर्मिनेशन होता है, तब व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। बिना डेडिकेशन के लक्ष्य को पाओगे? बोलो, पूरा डेडिकेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, जो लक्ष्य पाना चाहते हैं लक्ष्य के प्रति डिवोशन होना चाहिए कि नहीं, और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि नहीं? हाँ, तुम अपने उथले लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तो पूरी तरह डेडिकेट रहते हो, वहाँ पूरा डिवोशन भी दिखता है और उसके लिए पूरी तरह डिटरमाइंड होकर के भी काम करते हो,
जिस दिन आत्महित के लिए तुम्हारे हृदय में ऐसा डेडिकेशन हो, ऐसा डिवोशन हो, ऐसा डिटर्मिनेशन आ जाए तो जीवन का कायापलट हो जाए। यही पुरुषार्थ जगाइए, बाकी क्षेत्रों में कदाचित विफल भी हो जाओ तो बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन जीवन के क्षेत्र में यदि विफल होते हो तो भयानक नुकसान होता है। इसलिए हमारा लक्ष्य बने आत्मा का हित, तो उस आत्महित के लिए हमारा डेडिकेशन होना चाहिए, उसके लिए पूरा डिवोशन होना चाहिए, और आत्महित करने के लिए पूरी तरह डिटरमाइंड रहना चाहिए। ये करना ही है, चाहे जो हो जाए। तुम लोगों का क्या, कर लेंगे, कर लेंगे, देख लेंगे, तो देखते ही रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। दुनियादारी की बात हो चाहे परमार्थ की, कोई व्यक्ति सफलता कब प्राप्त करता है, जब वो अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाए, दृढ़ हो जाए, आज का काम आज करे, कल पर न टाले। आजकल लोग तो आप लोगों को सिखाते हैं मैनेजमेंट के गुरु में, ये बातें सिखाई जाती है, पर वो बातें भी दुनियादारी की है। हमारे संतों ने तो युगों पूर्व ये बातें सिखा दी है कि लक्ष्य पाना है तो पूरी तरह लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाओ, अर्जुन की भांति बनो, उस लक्ष्य के अलावा और कुछ दिखना नहीं चाहिए, उसके लिए पुरुषार्थ जगाइए। भले धीमे ही सही पर चलना शुरू कीजिए, बिना चले मंजिल तक कोई नहीं पहुंच सकता। कई लोग हैं जो लक्ष्य तो बड़े बड़े बना लेते हैं पर लक्षण कुछ नहीं बदलते। लक्ष्य को पाना चाहते हो तो तुम्हारे लक्षण भी बदलने चाहिए। लक्ष्य बनाओ, पुरुषार्थ जगाओ, सही पुरुषार्थ जगाओ। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ भी उपलब्धि नहीं होती, सही दिशा में किया गया थोड़ा सा प्रयास भी हमें बड़े परिणाम दे देता है। अगर तुम आत्मा का लक्ष्य, हित का लक्ष्य बनाते हो, आत्मकल्याण की बात सोचते हो, तुमने लक्ष्य बनाया है तो पुरुषार्थ जगाओ, अब मुझे अपनी आत्मा का हित करना है, और कदम दर कदम अपने आचार विचार और व्यवहार में पवित्रता लानी है। पाप और उन्मार्ग की ओर अब मुझे नहीं बढ़ना है, मुझे सही दिशा में चलना है। ये लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य को पाने के लिए पुरुषार्थ जगाने का प्रथम चरण, गलत डायरेक्शन में अब मैं नहीं जाऊंगा, सबसे पहला स्टेप। अभी तक जिस सोच के साथ मैं जीता था, अब वो सोच को मैंने अलविदा कर दिया, अब वैसा कोई आचरण नहीं, वैसा कोई विचार नहीं, वैसा कोई व्यवहार नहीं, उससे मेरा दूर दूर का नाता नहीं है। फिर अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक कदम ही सही पर आगे बढ़ूंगा। कदम तो बढ़ाओ, पर आप लोग क्या सोचते हो, जितने लोग हैं ना धार्मिक लोग,
सब चाहते तो हैं कि आत्मा का कल्याण करेंगे, पर कब? अंत में, है ना? क्या करेंगे? अंत में। क्यों कमल जी? अंत में। तो अंत कब आएगा? अंत कब आएगा बता दो। पता है तुम्हें तुम्हारे अंत का? फिर क्या होगा? अंत में करेंगे, और कब अंत आएगा पता ही नहीं, तो कब करोगे? हर रात को अंतिम समझ कर सो, हर प्रात को अंतिम समझ कर जग। हर रात को अंतिम समझ कर सो, हर प्रात को अंतिम समझ कर जग। हर दोपहर यह हो ये हर दोपहर हो ये ना हो हर दोपहर ये न तेरी हो, हर शाम तेरा रोक शक्ति मग। कौन जाने कौन समय क्या साथ लाता है, मित्र मेरे हर समय कह कर न आता है, मित्र मेरे हर समय कह कर न आता है। शर्मा लाल सरस की ये पंक्तियां बड़ी उत्प्रेरक है। हर रात को अंतिम समझ कर सो, हर प्रात को अंतिम समझ कर जग। हर दोपहरी ये न तेरी हो, हर शाम तेरा रोक शक्ति मग। कौन जाने क्या समय क्या साथ लाता है, मित्र मेरे हर समय कह कर ना आता है। हर फूल को अंतिम समय कर समझ कर खेल, हर सूल को अंतिम समझ कर झेल। हर पुण्य को जितना बने तो कर, हर पाप से जितना बने तो बच। हर फूल को अंतिम समझ कर खेल, हर सूल को अंतिम समझ कर झेल। हर पुण्य को जितना बने तो कर, हर पाप से जितना बने तो डर। कौन जाने क्या समय क्या साथ लाता है, मित्र मेरे हर समय कह कर ना आता है। हमें अपने जीवन में एक बदलाव लाना है, और आज से ही लाना है। ये मेरा पुरुषार्थ होना चाहिए। पहला स्टेप कि अब मुझे आगे बढ़ना है, बढ़ते ही जाना है। एक एक कदम चलो। तुम लोग सोचो अपने धार्मिक जीवन की शुरुआत कब से की, और जहां थे वहीं हो कि कुछ आगे भी बढ़े हो? हाँ बोलो। 20 बरस पहले रात्रि भोजन त्यागा था, आज भी वहीं है। होश संभालने से देव दर्शन शुरू किया था, आज भी वहीं है। 25 बरस पहले मेरी जो विचारधारा थी, आज भी वही है। तो भैया पहली क्लास में कब तक रहोगे? एक ही क्लास में कब तक? हाँ, उम्र पक जाने के बाद भी लोग अपने कदम ऊपर नहीं बढ़ाते तो लक्ष्य को पाएंगे कैसे? लक्ष्य बनाएं, पुरुषार्थ जगाएं। हमें रोज ये पुरुषार्थ होना चाहिए कि कल से मेरा आज बेहतर हो। व्यापार धंधे में तो आप लोग देखते हो कि नहीं देखते हो? महाराज रात में हम तो सब कैश बैलेंस मिलाकर सोते हैं, और अगले दिन का टारगेट सोच करके सोते हैं, और फिर सोने के पहले फिर देखते कि टारगेट के हम कितने नज़दीक गए, है ना? और जो इस पर फोकस करता है वही व्यापार में प्रगति कर पाता है, जो इसका ध्यान नहीं देता वो कहीं भी फिसड्डी रह जाता है। तो भैया जैसे व्यापार के लिए तुम इतने सचेष्ट हो, जीवन के लिए भी तो कुछ सचेष्ट बनो। उसके लिए भी तो सोचो, कब सोचोगे? कहीं सोचते सोचते ही जिंदगी ना निकल जाए।
फिर हाथ में क्या बचेगा? शून्य। रिजल्ट शून्य हो उससे पहले कुछ अंक जुटा लो, नहीं तो सब खत्म होना ही है। राम नाम सत्य है, ये मुर्दों को सुनाते हैं, जिंदे सुनने लगे तो समझ में आएगा। तो आज लक्ष्य बनाइए, बना हुआ है आत्मा का हित करना है तो पुरुषार्थ जगाना शुरू कीजिए। एक एक कदम चलते चलते हम हजारों मील की यात्रा कर सकते हैं। हजारों मील की चर्चा करने वाला एक कदम भी नहीं चल पाता। हम चलना शुरू करें, एक एक कदम चलें, धीरे 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 हमारा रास्ता प्रशस्त होगा। आपको लगता है मंजिल बहुत दूर है, हम कैसे चलेंगे? कोई चिंता नहीं। 60 साल के दादाजी के साथ 8 साल का पोता सम्मेद शिखर के पहाड़ पर चढ़ने के लिए गया। रात अंधेरे में चला, पोते ने दादा से पूछा, पापा दादा पहाड़ कितना ऊंचा है? बोला बेटा 9 किलोमीटर चलना है। 9 किलोमीटर चलना है, इतना ऊंचा पहाड़ कैसे चढ़ेंगे? सघन अंधेरा है, अपने हाथ की टॉर्च से तो 10 फुट तक रोशनी नहीं जाती, पहाड़ कैसे चढ़ेंगे? दादा मुस्कुराए और बोले बेटे हमें पूरा पहाड़ थोड़ी ना चढ़ना है, हमें पूरा पहाड़ थोड़ी चढ़ना है, हमें तो एक कदम आगे बढ़ना है। एक कदम आगे बढ़ो, रोशनी आगे बढ़ जाएगी, और ऐसे एक एक कदम बढ़ते बढ़ते हम पूरा पहाड़ चढ़ जाएंगे। तो एक कदम की तैयारी, करिए शुरू। ये मत सोचना बुढ़ापे में देखेंगे, क्या गारंटी बुढ़ापा भी देख पाओगे कि नहीं? कितने आदमी बुढ़ापा देख पाते? तो इसकी कोई सुनिश्चितता नहीं कि तुम बुढ़ापा देख पाओगे या नहीं, और कदाचित बुढ़ापा देख भी लो तो देखने लायक बचोगे कि नहीं? बिस्तर में पड़े पड़े बुढ़ापा कटता है? जितने भी बुढ़ापे से के दौर से गुजरने वाले उनसे पूछो तो कहेंगे क्या करें, अब तो हम कर ही नहीं पाते, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, है ना? दो आदमी उठाता है तब बुढ़ापा कटता है। इसलिए कहते हैं बुढ़ापे को अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कहते हैं ना, बूढ़े को अर्ध मृतक के समान क्यों कहते पता है? बोलो, बूढ़ों को अर्ध मृतक के समान क्यों कहते हैं? मुर्दे को 4 उठाते, बुढ़े को 2 उठाते, इसलिए अर्ध मृतक। फिर बचेगा क्या? पुरुषार्थ जगाइए, अपने जीवन के प्रति गंभीर बन जाइए, और एक बार पुरुषार्थ जग जाए तो केवल जगाकर मत छोड़िए, उस पुरुषार्थ को बढ़ाइए। मेरा पुरुषार्थ उत्तरोत्तर बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। मैं मुनि हूं, मुनि बनना एक बड़ा पुरुषार्थ है। मेरे भीतर का पुरुषार्थ जगा, गुरु की कृपा हुई तो मैं मुनि बन पाया, लेकिन मैं मुनि बन करके संतुष्ट हो जाऊं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, संतुष्ट हूं भी नहीं। हमारे गुरुदेव ने पहले ही दिन कहा था, जिस दिन दीक्षा दी, कि देखो मैं तुम्हें जो दे सकता था वो दे दिया, अब आगे का रास्ता तुम्हें खुद बनाना है। और ये मत सोचना कि मुनि बन गए तो मोक्ष मिल गया, अभी तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत हुई है। तो पुरुषार्थ जगाने के बाद पुरुषार्थ बढ़ाओ। हम लोग आज भी
अपने को रोज अपग्रेड करने की सोचते हैं। अगर हम अपने आप को अपग्रेड ना करें तो कहां जहां के तहां रहेंगे, ठीक है, और संसार में अटकेंगे। तो भैया जैसे हम अपने आप को अपग्रेड करते हैं, उसके लिए अपना अपडेट करते रहते हैं हमेशा, तुम भी अपग्रेड करो, पुरुषार्थ बढ़ाओ। धीरे 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 ही सही पर बढ़ते जाओ। आजकल आप लोग एक शब्द का प्रयोग करते हैं, ग्रोथ, क्या करते हैं, है ना? तो ग्रोथ कब होगी? दुनियादारी के क्षेत्र में तो तुम लोग ग्रोथ को बहुत महत्व देते हो, फाइनेंशियल ग्रोथ पर पूरा फोकस, है ना? ये बैलेंस शीट है, इतना परसेंट ग्रोथ है, ये हमने गेन किया है। अरे भैया ये गेन और ग्रोथ ही तुम्हारा गोल है क्या? अगर इसी गोल के चक्कर में रहोगे तो सब गोल हो जाएगा। उनके प्रति तुम जितना देखते हो, फाइनेंशियली ग्रोथ की बात तुम जितनी करते हो, इनर ग्रोथ की भी तो बात सोचो। मेरी आत्मा की कितनी ग्रोथ हुई, मेरे भाव विचार और व्यवहार में कितनी पवित्रता आई, ये ग्रोथ भी तो होना चाहिए। अगर ये हो जाए तो काया पलट हो जाए। तो क्या करना, लक्ष्य बनाना, पुरुषार्थ जगाना, पुरुषार्थ बढ़ाना, तब लक्ष्य को पाना। इतना सरल नहीं है, इतना सरल नहीं है कि हम लक्ष्य पा जाएंगे। कई लोग हैं जो बातें ऊंची ऊंची करते हैं और काम कुछ भी नहीं, उससे क्या हासिल होने वाला है? कुछ भी नहीं, ये एक प्रकार की आत्मवंचना है। उस आत्मवंचना से अपने आप को बचाइए, मूलभूत लक्ष्य की तरफ समर्पित होते हुए अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। हमारे आचार्यों ने एक मुनि से कहा कि देख तू अपने लक्ष्य को कभी मत भूलना, जो तूने लक्ष्य बनाया है उसके लिए पुरुषार्थ जगाना, पुरुषार्थ को बढ़ाना, लक्ष्य के प्रति पूरा लीन होकर के चलना, तब तू लक्ष्य को पाएगा। और इसके लिए हम मुनियों को कहा अपनी दीक्षा की तिथि को हमेशा याद रखना। क्या कहा? दीक्षा की तिथि को याद रखना। क्यों? वो बताएगी तेरा प्रयोजन क्या है, तेरा ध्येय क्या है, तेरा लक्ष्य क्या है, तेरा मकसद क्या है, क्यों तू इस मार्ग में लगा है। अगर उसे याद रख करके चलेगा तो रंच मात्र भी डगमगा नहीं पाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। तो ऐसे ही आप लोगों से कहता हूं, रोज अपने मन में चार सवाल करो। कितने सवाल करो? किससे? शंका समाधान में नहीं, किससे करना है? अपने आप। क्या? मैं कौन हूं? पहला सवाल, मेरा क्या है? दूसरा सवाल, नंबर तीन, मैं क्या कर रहा हूं? और नंबर चार, मुझे क्या करना चाहिए?
बस ये चार सवाल पर विचार करो, अंदर से एक इंस्पिरेशन आएगा, ऐसी अभिप्रेरणा जगेगी जो तुम्हारे जीवन की दिशा को बदल देगी। आपो आप बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, भावना तो जगे, उसी में लगे रहोगे तो लगे ही रहोगे। कल एक बच्ची आई, ग्रेजुएशन की भी थी, उस लड़की ने कल आकर के मुझसे कहा कि महाराज, मैं तो मौन था, अपनी बात सुनाई, बड़े उत्साह के साथ सुना रही थी। बोले महाराज जी, आज से एक साल पहले तक मैं कभी ना मंदिर जाती थी, ना पूजा पाठ में मेरा विश्वास था, मैं धार्मिक भी नहीं थी, लेकिन मेरे मन में ये रहता था कि जो है भगवान मेरे मन में, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मेरी मम्मी पापा सब मुझसे कहते थे, मेरे को कोई रुचि नहीं थी। लेकिन एक दिन मैं आपका शंका समाधान सुनी तो उससे मेरे मन में एक इंस्पिरेशन आया, मैं रोज़ आपको सुनने लगी, और महाराज जी तब से मैं मंदिर भी जाने लगी, मुझे लगने लगा मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, और अब मैं रोज़ पूजन भी करती हूँ। उसने आकर के कल जो बात कही वो मैं आपको बता रहा हूँ। बोला महाराज जी, कल 12 बजे मैं यहाँ से वंदना के लिए जा रही थी, हमारे साथ एक आंटी और थी, परिवार के तो कोई जा नहीं रहे थे, सब धर्मशाला में थे, आंटी थी तो कुछ ज़्यादा तपन सी लगी तो वो लौट आई, मैं भी उनके साथ लौट आई, पर मुझे लगा कि यहाँ आकर के लौट जाना ठीक नहीं है, ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा, आज ही मुझे जाना है। तो मेरे घर के लोगों से मैंने पूछा मैं अकेले चले जाऊँ, घर के लोगों ने कहा हाँ जा सकते हैं। मेरे मन में ऐसी लड़क जगी कि यहाँ आई, वंदना मुझे करनी है, महाराज जी मैं चले गई अकेले, 1 बजे गई, करीब 4 बजे 4:30 बजे मेरे पास आई, और ऐसी खुशी, ऐसी खुशी जैसे बहुत बड़ी उपलब्धि उसने कर ली। ये किसके बदौलत? मैं यहाँ आई क्यों हूँ? वंदना के लिए आई तो मुझे वंदना करना है। मैं इस दुनिया में आया क्यों हूँ? कल्याण करने के लिए कि दुनियादारी में रमने के लिए? अगर कल्याण करने के लिए आया हूँ तो मुझे अपना कल्याण करना ही है, ये पक्का लक्ष्य होना चाहिए, छोड़ना नहीं है, मिस नहीं करना अपने आप को। अपनी अज्ञानता में मैंने अनंत जीवन बिता दिए, ये जीवन मुझे व्यर्थ नहीं करना है, ये बात जेहन में गहरे बैठ जाना चाहिए, क्योंकि इत्यति दुर्लभ रूपां बोधिम प्राप्त्वा बोधिम लब्ध्वा यदि प्रमादिष्यात् संसृति भीमारण्ये भ्रमति वराकोह नरः सुचिरम्। इस प्रकार के महान दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर के भी यदि तुम आलस करोगे तो न जाने कितने जन्मों तक भटकोगे। अब ये भटकाव समाप्त करने का लक्ष्य बना, अपने जीवन को आगे बढ़ाने की प्रेरणा जगाओ तो जीवन का उद्धार होगा, नहीं तो एक ही राम कहानी चलते रहेगी, यूं ही आता रहा यूं ही जाता रहा, लाख चक्कर 84 के खाता रहा, यूं ही आवागमन के उलट फेर में व्यर्थ हीरा जन्म यूं गंवाता रहा। अब गंवाना नहीं है, कमाना है, बचाना है, बढ़ाना है, ये लक्ष्य लेकर के जाओ तो हमारे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि होगी, हम अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करें। आने वाले अष्टानिक पर्व के दिनों में यहाँ सिद्ध चक्र महामंडल विधान का भव्य आयोजन होने जा रहा है। संस्कृत के मूल विधान जिसमें 64 मंडलों की संरचना हो, 64 वेदी, 64 भगवान, 64 मंडल बीजाक्षर और सारे मंत्रों का उच्चारण मुनि राजों के मुख से, उस विधान का भी एक ही लक्ष्य है कि हमारे हृदय में एक ऐसी प्रेरणा बने जो आज सिद्धि ना हो तो कोई बात नहीं, कम से कम शुद्धि को तो पाले।
आज शुद्धि पाएंगे कल सिद्धि होगी। वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें ये अवसर मिला। लेकिन देखो अब तक में 6 लोग ऐसे हुए जिनने पहले सबसे पहले नाम उसमें एक दो तो सबसे पहले नाम लिखाए लेकिन वो रह गए। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन गई, संयोग ऐसे बन गए, कैंसिल हो गए। अभी बता रहे एक खाली, वो भी कैंसिल के कारण। पहले तो सरप्लस थे इसलिए 52 से 64 करने पड़े थे। अभी एक खाली है जिसके भाग्य का होगा उसको ही मिलेगा। जिनको ये अवसर मिल रहा है, सौभाग्य मिल रहा है, वो चूके नहीं, जीवन का लाभ ले। अच्छे अवसर को सदैव पूरी तरह से लाभ उठाने के लिए चुनना चाहिए, खोना नहीं चाहिए। एक बात ध्यान रखना, धर्म के क्षेत्र में बहाना ढूंढना, बहाना बनाना मत। कोई बहाना मिले हमें धर्म का कार्य करने का तो हम कर ले। कुछ लोग बहाना खोजते हैं, कुछ लोग बहाना बनाते हैं। बहाना बनाने वाले संसार सागर में बहते रहेंगे और जो बहाना खोजेंगे वो भव सागर से पार उतर जाएंगे। तय तुम्हें करना है कि हमें क्या करना है। अपने लक्ष्य को बनाइए, पुरुषार्थ जगाइए, पुरुषार्थ बढ़ाइए, लक्ष्य के प्रति पूरी तरह अपनी लगन रखिए, तब आप लक्ष्य को पा सकेंगे और अपने जीवन को अच्छा बना सकेंगे। इसी भाव के साथ, मंगल भावना के साथ मैं विराम लूँगा। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना, दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना, दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे, अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे, अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। जन का मंगल, घन का मंगल, मन का मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो।
राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्म मैं हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्म मैं हो। मंगल मंगल हो जगत में सब मंगल मैं हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगल मैं हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल मैं हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल मैं हो। मंगल मैं हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगल में हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो। सब जग में मंगल बढ़े सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी।